अजमेर में रेलवे स्टेशन के सामने एक ढाबे की रसोई में रखे सिलेंडर में धमाका हो गया धमाके के साथ सिलेंडर फटा तो आसपास की तीन दुकानें भी आग की चपेट में आ गई इस दौरान इलाके में ट्रैफिक रोक कर दमकलों ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया गनीमत रही कि इनमें कोई जनहानि नहीं हुई ढाबे का स्टाफ पहले ही बाहर निकल गया था क्लोक टावर थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि काके दी हट्टी नाम के ढाबे में सुबह साढ़े दस बजे के करीब खाना बनाया जा रहा था इस दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया इससे अफरा तफरी मच गई होटल मालिक व स्टाफ भाग बाहर आ गए धमाके के कारण आग आस की तीन दुकानों की फैल गई कोई जनहानि नहीं बताई जा रही है घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौके पर पहुंचे हैं और मौका मुआयना किया इस दौरान व्यापारियों व आसपास के लोगों से भी बात की बाद में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए इस दौरान बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे